हम तो कभी ऐसे लोगों की औकात हम मुखालफत नहीं करते, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप ही ऐसे लोगों को माथे पर रखते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि जबरदस्ती एसपी साहब को भी गाली दो, पप्पू यादव को भी गाली दो, ठीक है, निश्चित रूप से एसपी साहब को प्रशासन को समान ऊपर करनी चाहिए। उन्होंने बेहतरीन तरीके से, मैं धन्यवाद दूंगा एसपी साहब और उनकी टीम को, डीएसपी साहब, हम लोगों को, कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों को लाने का प्रयास किया है, अदर स्टेट चले गए हैं, समान ऊपर करनी चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को स्पीडी ट्रायल एसपी साहब करिए। मेरा आग्रह है, यानी तो ऐसे लोगों को जो गंदे लोग हैं, इन लोगों को समाज के अहित में जब हाथी पागल हो जाए और बच्चे को मारने लगे घर डूब डूब के तो गोली भी चलाई जाती है, यदि बुरा पागल हो जाए तो क्या हम इंतजार करेंगे एवरेस्ट फॉरेस्ट वाले आवे तब कोई बात हो, पप्पू यादव तब बात करे? तो ऐसे पागलों का जगह या तो सजा है या तो एसपीडी ट्रायल है या नहीं तो शूट एंड साइट है, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। हम समाज के हित में कुछ भी करेंगे और मैं हाथ जोड़ता हूं, आप हमारी सकारात्मक आचरण, कहीं गलती हो तो आप हमको सलाह दीजिए, लेकिन यदि कोई आदमी, कोई नवसिखुआ यूथ, मैं उससे आग्रह करूंगा कि भैया आपको जिससे जो करना हो, पैसा टेका, माफियागिरी कीजिए, पप्पू यादव को बकस दीजिए, हम आपके, आप मेरे बेटे की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, मैं आप पर कोई मेरा दुख नहीं है, मैं आप पर दया आता है, तरस आता है आप जैसे लोगों पर, इसीलिए ना समझ है आप लोग, जो मन में आता है सो लिखते हैं। मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करूंगा पूर्णिया के विकास को, सीमांचल कोसी के विकास में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। हम सब लोग आग्रह चाहेंगे कि हम लोग मिलकर के आग्रह आगे बढ़े, पूर्णिया सीमांचल को कैसे, आज भी हमने एनएच को लेकर के 106 107 बीरपुर टू बीरपुर, पूर्णिया टू सहरसा एनएच को लेकर के सुपौल, इन सब मुद्दों को लेकर के आज भी मैंने सवाल उठाया है और 25 के पहले सारे एनएच को कंप्लीट हमको करना है। मैं वादा करता हूं कि 25 सितंबर के पहले सारे एनएच का कंप्लीट होंगे, ये मेरा आपसे वादा है, आप बेफिक्र हैं, लेकिन आप सोचिएगा ये क्रिमिनलों को तरजीह कौन देता है, पॉलिटिकल पार्टी, और जो नई नई पार्टी बन रही है वो भी क्रिमिनल और माफिया को तरजीह दे रहा है और वो बड़ी बात करते हैं। मैं ऐसा क्रांति करूंगा, इन्हीं माफियाओं के बदौलत ये लोग क्रांति करेंगे, इन्हीं सरकारी लुटेरों को लेकर के ये लोग क्रांति करेंगे। तो गलत लोगों को लेकर के बदलाव कैसे संभव है? और जातीय अपराधी को आप तवज्जो देते हैं और गाली दीजिएगा पप्पू यादव को, ये कैसे संभव है? तो हमारी कोई गलती हो तो हमको बोलिए, मैं क्षमा मांगूंगा और हमेशा क्षमा के लिए तैयार हूं और हमेशा माफी मांगने को तैयार रहूंगा, गलती को स्वीकार करूंगा, एक मिनट भी हमारा प्रतिक्रिया आपके प्रति नहीं होगी, पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। बस मेरा आग्रह है इस, हमें सलाह दीजिए, हमारे साथ आके संवाद कीजिए, हमको फोन करिए, मैसेज करिए, मैं बात आपसे करूंगा, मैं बात करने को तैयार, ये मेरा आग्रह। मैंने पहले भी कहा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमारी मदद करिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो अपराधी कहीं कुछ बना रहा है तो करिए, हम आपको मदद करने को तैयार हैं। मैं, ये मेरा आग्रह है कि हमें काम करने दीजिए और आप देखते चलिए कि जो वादा मेरा है बिजली के संदर्भ में भी, लगातार मेरी एमडी से आज भी बातचीत हुई है, अन्य लोगों से भी बातचीत हो रही है, अस्पताल के संदर्भ में भी बातचीत होगी, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, भरोसा रखिए, समय तो लगेगा ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम हमेशा मौत के इंतजार में रहते हैं, कोई न कोई, मैं तो चाहता हूं बहुत कर लिया, यदि हम नहीं कर सकते हो तो भगवान हमको ले चले, और मैं डरता उड़ता नहीं हूं, डेली मरने की तैयारी में चलता हूं, जिसको मारना होगा मार दे, लेकिन मैं अपने
लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। जब तक मिटाऊंगा नहीं, सांस से चैन नहीं लूंगा। अवधेश जी को मरवाने में, मारने में जो लोग होंगे उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं ऐसे लोगों की आलोचना करता हूं, गलत लोग जो किसी मंत्रियों के बारे में जो बात सामने आई है वो बिल्कुल गलत है, और मैं विरोध करता हूं। और जब ऐसी कोई भी ताकत, असुर ताकत आगे बढ़ेगी तो हम किसी के भी साथ रह के उसकी हिफाजत करने की कोशिश करें।